तो गाइस फुल जोरों शोरों से पैकिंग चल रही है घर जाने की। और कल हमारा जो सैलून है उसमें एक हवन होगा, मुहूर्त होगा, शुरू होगा कार्यक्रम, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। बाकी जाने का हमारा बिल्कुल दिल नहीं था, और पीछे वाला बोर्ड तो आप देख ही रहे हैं। तो ज़रूर आना यहाँ पे टाइम जब भी मिले। तो कुछ लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। सारा अरेंजमेंट था ये हमारे भाई ने किया था, और पीछे हमारी मैनेजर, मतलब यहाँ की मैनेजर है, हमारी मैनेजर नहीं है। तो बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। क्या बोलना चाहते हो? बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा, मतलब कि एक अच्छा ट्रिप रहा। काफ़ी टाइम बाद हम फैमिली बाहर आई, और ये भी काफ़ी परेशान हो गए हैं आप कब जाओगे कब जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो आप लोगों से मिलके बहुत मज़ा आया, जनरली बहुत अच्छा लगा इन लोगों से। थैंक यू सो मच। बस हमारी जंगल सफारी रह गई, अगली बार अगर यहाँ पे हमने प्लान किया तो हम जंगल में जाएंगे ज्यादा, शेर वेर देखेंगे, हिरन देखेंगे, काफी मजा आएगा। एक्चुअली क्या था ना, सुबह जाना था हमें 6 बजे, तो हम उठ ही नहीं पाए, और फिर अचानक से कॉल आ गई भाई की, रजनीश भाई की, कि जल्दी से आ जाओ, कल का मुहूर्त आपको पता है ना, काम शुरू करवाना है। तो वो काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे है ये, तो अब निकलते बढ़ते हम यहाँ आते रहा करें। क्या बोलते हो पाल जी? जी बिल्कुल, हमें अच्छा लगा यहाँ पे आना, और हम जब भी हमें टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, हम जरूर आएंगे। तो कल चिपकन ना यहाँ घास में बहुत ही स्पीड भागा, और बहुत ही मुश्किलों से इसको पकड़ा, और अभी भी ना ये ताक में है। पीछे गुना चीकू अभी भी ताक में है कि फटाक से यहाँ कूदे और किसी को ना मिले। तो अभी एक जबरदस्ती कॉफी पीने चल रहे हैं, चलना है आपको? तो बहुत ही जबरदस्त धूप है, चलो हम तो काले हैं ही, इंसान ना काला हो जाए फिर भाग गया था। तो गाइस यहाँ पर एक जबरदस्त सी कॉफ़ी पियेंगे सभी लोगों के साथ, हमारे साथ हमारी मैडम जी हैं और बच्चे भी हैं हमारे। हाँ जी को क्या पीना आपको? कोल्ड ड्रिंक पी लें, कॉफ़ी पीनी है, लस्सी पीने? कोल्ड ड्रिंक नहीं, अभी दांत दिखाए थे ना मैंने आपको, एक जबरदस्त सी लस्सी पिला दूँ? तो गाइस सब लोग धूप के मज़े ले रहे हैं, और साथ में हमारे भैया भी ले रहे हैं, हमारा छोटू बड़ा हो गया है। हाँ जी कृतिका जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, सोच रही एक दिन और रुक। नहीं, मेरा बिल्कुल मन कर रहा है, ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे हम। तो रीत जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो चाहती हूँ आप एक दो दिन और रुको। अच्छा वाह बेटा वाह, मतलब मस्ती करवाने का। I'm walking around in the circle of life, doing things I know. Walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try to puff on the right side? Put it up in your... Guys, अभी बैठे हैं ऑफिस में सब लोग, फैमिली के हमारे, ये देख लो ये बच्चे थक गए गाड़ियों चला चला के, और एक जबरदस्त इंटरव्यू होने वाला है भाई के साथ हमारा, भाई भी होंगे हमारे साथ, सवाल जवाब भी नहीं के होंगे, आज तक वाले आ रहे हैं इंटरव्यू कर रहे हैं ना चिकू। आपसे कोई पूछेगा कि आपकी कौन सी मम्मी ज़्यादा प्यार करती है, आप क्या बोलोगे? हाय फुल दिमाग है लड़के का, देख रहे हो? पापा थोड़ा सा शेविंग करवा लें, जबरदस्त सा इंटरव्यू है, और हमारे भाई ने सारा प्लान किया है, जुनेद भाई ने, और जो ये वाले भाई है ये करेंगे बढ़िया सी शेविंग, उसके बाद मिलते हैं आपको, रुक जाओ। भाई ने बहुत ही जबरदस्त शेविंग और हेयर कट किया है, तो मज़ेदार, मतलब कि कमाल। तो भाई की शॉप गांव में है, और लगता नहीं है इनका इतना अच्छा हाथ होगा, पर भाई बहुत तारीफ़ कर रहे थे जुनेद भाई। तो बस ही अब एक इंटरव्यू दे देते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने चंडीगढ़ की तरफ। यहाँ पर चल रही है ज़बरदस्त इंटरव्यू की तैयारी, और इंटरव्यू होने वाला है मेरा। हमने हमारे जो टीम के ज़्यादातर मेंबर थे उनको भगा दिया है कि तुम जाओ हम आ रहे हैं, और वो क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे पाजी हैं उन्होंने हमारे लिए एक इंटरव्यू प्लान किया है, और अभी टेस्टिंग चल रही है इनकी, क्या करने वाले हैं, क्या सवाल पूछने वाले हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, न्यूचल का नाम भी बता दूंगा, बायो में लिंक डाल देंगे, देख लेना जाकर। तो भैया अभी रास्ते में रुके हैं, और ज़्यादा भूख लग गई है गोलू मैडम को, और कमेंट करके बताना गोलू आपको कितनी फिट दिखाई दे रही है, पायल कितनी फिट दिखाई दे रही है। तो ये वाली जो बात मैंने बोली इससे पायल गोलू ज़्यादा गुस्सा हो गई है, और वो बोल रहे हैं कि हमें पागल मत बनाओ आप लोग, मतलब मैं ना पागल बनाऊँ ये बोला उसने। तो गाड़ी चलाते हुए कुछ लोग इतनी ज्यादा लापरवाही करते हैं, यहाँ बैठा हुआ है भाई, ये देखो यहाँ बैठा हुआ है, अगर ये गिर गया ना, अगर समझो एकदम ब्रेक लगा दी और ये गिर जाए तो क्या होगा? अब इनको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम है,
नीचे उतर जाओ भाई, नीचे नीचे देखो, नहीं सुन रहे ना, नहीं सुन रहे ना, सुन रहे। तो गाइस फाइनली बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं, और घर आके जो सुकून आता है कमाल का, क्या बोलते हो गुरु जी? सही बोल रहे हो, बिल्कुल नींद बहुत अच्छी आती है घर पे। मैं सोई तो थी यहाँ पे, पर जो अपने घर के बिस्तर पे नींद आती है ना, वैसी गोलू की गोद में नींद आई मुझे अभी। मेरी गोद में सोई थी पायल, मैं हिली नहीं। पहुंच गए घर। हेलो बेटा, कैसे हो? दिल लग गया था है? लग गया था कालू भाई के बिना दिल लग गया तेरा। तो गाइस ये देखो, चीकू के लिए मजेदार सा गिफ्ट लिया है और जाके दिखाया। हाँ मेरे भाभी अभी मत देना, मन की मैं क्यों ना दूं, ये ब्लॉग में लेंगे इसलिए। अच्छा इसलिए भैया, हम भी छोटा मोटा ब्लॉग बनाते हैं, चीकू के रिएक्शन देखेंगे, है ना भाई? तो नितिन भाई भाग के अपना कैमरा लेने गए हैं। तो चीकू को भैया गिफ्ट मिल गया है, और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन चलेगा, थोड़े दिन के बाद पता भी नहीं लगेगा कि ये गिफ्ट गया कहाँ पर, है ना चीकू? अरे भैया चीकू, अच्छे से संभाल के रखेगा ना इसको। चलो मैं ना ये तुम्हें खिलाऊंगा ये गिफ्ट, जो जीतेगा विनर जो चार डाल देगा उसको मिलेंगे पूरे 100 रुपये, क्या बोलता चीकू? बताना जल्दी बता। पहले काम कर, सुन मेरी बात, ये ना सारे उठा ले, अगर इसमें से तूने 2 इसके अंदर डाल दिए ना, तो मैं कल तेरे को शॉपिंग करा दूँ अच्छी से बढ़िया से, ठीक है? सारे ले ले सारे, अगर तू भी डाल देगी 2 तो तेरे को शॉपिंग कराऊंगा, और शॉपिंग कराऊंगा पूरे 2000 रुपये की, कुछ भी ले सकते हो तुम, हैं? मेरे 2000 काफी है। चलो देखते हैं अभी पायल के टारगेट फिक्स करते हैं, और पायल देखते हैं क्या करेगी क्या। अच्छा लगा मुझे गेम ना, बहुत ही प्यारा लगा। तो पायल ने शुरू कर दिया है कार्यक्रम, और कमेंट्री हम कर रहे हैं अभी, देखते हैं पायल। वेरी गुड पायल, मान गए पायल, मजा आ गया, बहुत ही जबरदस्त पायल, कमाल का प्रदर्शन, वाह भाई वाह, क्या बात है पायल, कमाल का प्रदर्शन, जबरदस्त। तो बकवास प्रदर्शन के साथ पायल ने की है वापसी, क्या बात है पायल, बॉटल गिरा दी है लड़की ने। तो अब आएगी कृतिका मलिक अपनी नालायक, ये तो इस पर तो विश्वास है मुझे पूरा। चल मेरे पे सबको विश्वास रहता है। चलो देखते हैं अब, अब है गोलू की बारी, और संभालते हैं इसके प्रदर्शन को। कोई लाइन नहीं है, तू अगली लाइन से डाल दे, चल यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। चलो देखते हैं, अच्छा चलो देखते हैं। 1 वाह गोलू वाह, तू तो सारी गिरा दी तूने, तो गया तो है, अच्छा गया तो है। कालो अच्छे से इनको, इसको ना अच्छे से रुका दे, अच्छे से रुकवा दे। अच्छा देखो, हाँ जी बोल रही ऑडियंस, हाँ जी है, मानी जाएगी, एक हो गया, एक होगा, चलो एक एक डिस्टर्ब। अच्छा गोलू पाल कर रही हूँ डिस्टर्ब को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस वेरी गुड गोलू, वेरी गुड, वेरी बकवास, बिल्कुल विश्वास है, तो मैं इतनी अंदर से मजबूत हो जाती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है मुझे जीतना ही पड़ेगा, तो मैं नहीं जीती तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं जीत गई। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, पहली बार गोलू ने विजय प्राप्त की है आज तक जितने भी हमने गेम खेले हैं, पहली बार नहीं दूसरी बार, एक बार जादू से पूरी थी। ओहो एक बार विनर वहां भी थी तो, वेरी गुड गोलू वेरी गुड। चिपकन आ गया घर, और ये फुल गुस्से में है कि मुझे तुम वहां से क्यों लेके आ गए। ये वहां पर इतना शैतानी कर रहा था, इतनी शैतानी कर रहा था, मैं क्या बताऊं, इस लड़की का वहां दिल लग गया था, और ये बहुत स्पीड से भागा गोलू, और पहले बड़ी मुश्किलों से पकड़ा था इसको, है ना? अरे ये जैसे दूर जैसे हम जल रहे, अचानक से पेड़ आ गया, तो पेड़ के पास जो पत्ते होते हैं उसको टच हो गए, तो ये ऐसे हो रहा था, छोड़ दो कालू भैया, ये बता ना आप इसे कैसे कर रहा था? वो तो बस ऐसे है, यहाँ से छोड़ अपना आप कूदने का हो रहा था, कंधे पे था ना, तो गाइस रात के बज गए हैं 12:30, और जो कृतिका मलिक है वो बना रही है मेरे लिए एक जबरदस्त मजेदार गजब का टमाटे सूप, और ये प्रोफेशनली टमाटो सूप बना रही है, इसके अंदर ये डालेगी मेरी, इसमें ये भी आपके बनाए हैं। अच्छा आज आपने जो सूप पिया था ना उसमें ब्रेड क्रम्स थे। अच्छा तो मैंने रेसिपी देखी, तो मैंने आपके लिए 4 ब्रेड क्रम्स बनाए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है,
ये देखो ये लड़की को मच्छर खा गए हैं और फिर भी ये मेहनत कर रही है, क्या बात है क्या बात है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। नमस्ते बाबा, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिए, सेफ रहें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।